जाने दे विश्वा, हम नेक्स्ट टाइम हिस्सा लेंगे। देखते हैं। लूजर्स। लूजर्स। ओह माय गॉड। ये लूजर्स। डन। व्हाट हैपेंड? जाने दे विश्वा, इनके मुंह मत लग। It's you. Yeah, it's me. What? अरे विश्वा, छोड़ विश्वा। What the bloody hell is happening? Are you dancers or fighters? Get the hell out of here now! लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं सुलझता विश्वा, तुम्हारी जीत उन्हें मारने में नहीं, इस डांस कंपटीशन को जीतने में है। क्या तुम मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करोगे? मीरा मुझे सब कुछ बता चुकी है। मैं तुम्हारे पेरेंट्स से कब मिल सकता हूँ? पापा मुंबई में बिजनेस करते हैं, वो बस साल में एक बार मुझसे मिलने यहाँ आते हैं। मुझे उनसे शादी की बात करनी है, तुम उन्हें यहाँ बुला सकते हो? तुम्हारी शादी करने के बाद वो यहाँ आएंगे? समझ में नहीं आता अपने बेटे से जरूरी क्या काम हो सकता है। नॉट फेयर, उनके बिना ये शादी नहीं हो सकती। मैं जानता हूँ कोई जरूरी काम आ गया होगा। ठीक है, अगर वो बिजी है तो हम इंडिया चलेंगे। मैंने कई बार वहां जाने की जिद की अंकल, लेकिन उन्हें मेरा इंडिया आना पसंद ही नहीं है। उन्हें बताने की क्या जरूरत है, हम वहां पहुंचकर उन्हें सरप्राइज देंगे। पर कहीं वो नाराज तो नहीं होंगे? हे ब्रो, क्या हुआ? क्या ब्रो, तूने मुझे बताया नहीं तू उसे चाहता है? भाई हो के भाई से छुपाया? अरे एक बार बोल के तो देखता, मैं तेरे लिए अपनी जान हाजिर कर देता। अरे क्या कह रहा है ब्रो? इट्स ओके ब्रो, मैं अपनी बाकी बची जिंदगी यूं ही खुशी खुशी काट लूंगा, लेकिन तेरे बीच में नहीं आऊंगा। मैं अच्छा दिखता हूं, मुझे हजारों मिल जाएंगी। अच्छा है कि तेरा जैकपॉट निकल आया। विश्वा टाइम हो गया, निकले। दिस इज सुनील, माय फैमिली फ्रेंड। हाय बॉयज, बाय। हाय, एक्सक्यूज मी, योर इमिग्रेशन फॉर्म। या विश्वा जी अंकल, मुंबई में तुम्हारे पेरेंट्स रहते कहाँ हैं? मुंबई में कोई मशहूर सी जगह पर रहते हैं। मशहूर मतलब दादर, जुहू, बांद्रा? हाँ बांद्रा, बांद्रा, वहीं वहीं रहते हैं। हेलो चाचा, मैं विश्वा बोल रहा हूँ। मुंबई में हमारा घर कहाँ है? क्यों? मैं कल सुबह इंडिया आ रहा हूँ। ये क्या कह रहे हो? पापा को पता न चले, एयरपोर्ट पर कार भेज दीजिएगा। विश्वा तुम ऐसे अचानक इंडिया? सर प्लीज स्विच ऑफ द फोन, द फ्लाइट इज टेकिंग ऑफ। ओके काइंडली गेट बैक टू योर सीट। थैंक यू, मैं बाद में कॉल करता हूं। विश्वा
सर। टैक्सी। सर, सर मेरा टैक्सी ना। सर, अरे सर। साहब टैक्सी। साहब टैक्सी। साहब टैक्सी। कहाँ जाने का साहब? मेरी टैक्सी में चलो साहब। विश्वा, मेरे साथ चलो। तुम मेरा नाम चाचा ने भेजा है। चलो। मुझे लगा था कि सिर्फ मेरे पापा ही बिजी हैं, लेकिन चाचा भी कम बिजी नहीं है। सॉरी अंकल। इट्स ऑल राइट। कम से कम हमें लेने के लिए ऐसी गाड़ी तो भेजी होती। पापा, आप भी ना। ये कहाँ ले? चाचा ने यही आने को कहा था। आओ विश्वा। पुलिस ने तो नहीं देखा ना? नहीं भैया। राजू, ड्राइवर से गन ले लो। ये सब क्या हो रहा है? और ये लोग कौन है? फिक्र मत करो विश्वा, तुम्हारे सारे सवालों का जवाब भाव देंगे। पापा कहाँ है? यहाँ के हालात की वजह से तुम उनसे इतनी आसानी से नहीं मिल सकते। कोई नहीं जानते वो कहाँ है, लेकिन वो जानते हैं कि तुम यहाँ आ चुके हो। जल्दी ही वो तुमसे मिलेंगे। ये सब क्या है विश्वा? क्या है ये? तुमने तो कहा था तुम्हारे पिता एक बड़े बिजनेसमैन है। वो कौन है? आखिर वो करते क्या है? पापा ने कहा था कि उनका एक बड़ा बिजनेस है। अगर वो बहुत बड़े बिजनेसमैन है तो ऐसे छिपके क्यों रहते हैं? कोई बिजनेसमैन भला पुलिस से क्यों डरेगा? बड़ी अजीब सी बात है। अंकल, तुम्हारे पापा कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे ना? पापा, देखो मीरा, प्यार करना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन तुम जिससे प्यार करती हो उसके बारे में सब कुछ जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। मीरा, मेरी बात का यकीन करो, मुझे कुछ भी नहीं पता है। मैं भी यहां के भाव को मिलने का वक्त हो गया है। आइए। सिर्फ तुम आओ, अंदर आ जाओ। चाय? नहीं, बैठ जाओ। चलें। मेरे पीछे आओ। ऊपर मिलेंगे। यहाँ आने के बाद मैंने जो कुछ देखा और सुना, मुझे लगा वो मेरी आंखों का धोखा है। पर अब समझ में आ रहा है, मुझे पता चल गया है कि ये सब क्या है। और ये सारी चीजें आपके लिए मुझसे ज्यादा मायने रखती हैं? आप कौन हैं? आप क्या गलत कर रहे हैं?
ऐसी क्या मजबूरी है जिसकी वजह से आप इतने सालों तक मुझसे दूर रहे? जवाब दीजिए पापा। के दुख दूर करना चाहता था और साथ ही तुम्हारा भविष्य भी सुरक्षित देखना चाहता था। मेरी वजह से तुम पर कोई आंच ना है, इसीलिए इतने सालों तक तुम्हें अपने से दूर रखा मैंने। लेकिन इस तरह छिपके जीना, ना ही तो मैं गांधी हूं ना ही बुद्धा, मैं बस एक मामूली इंसान हूं। मैं तो अपनों के लिए वही करता गया जो मुझे ठीक लगा। मैंने कभी नहीं सोचा क्या ठीक है क्या गलत, लेकिन मेरी एक हरकत की वजह से किसी की चोट नासूर में बदल गई।